मैं भारत वर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा बस यही अरमान रखता हूँ। संभाव के गुणों से युक्त समूचे विश्व पटल में हमारे देश का मस्तक गर्व से ऊंचा कर देता है। संविधान एक ग्रंथ है जो हमें आदर्श नागरिकता का बोध कराता है। ये राष्ट्र को प्रकट करता है, कर्तव्य अधिकारों की सही राह दिखाता है। आप आज एक अनूठा अद्वितीय डॉग शो देखने जा रहे हैं। जो यहाँ सम्मानित जन खड़े हैं उनसे अनुरोध है, कृपया ये जगह थोड़ा छोड़ दीजिए, वो अतिथि का सम्मान करने जा रहे हैं। देखिए हमारा डॉग अंसेरा अपने प्रचारक की बाहिल में जाते हुए बड़ी तेजी और फुर्ती के साथ स्वानसेरा अपनी प्रचारक की बाहिल में पहुंचते हुए स्वानसेरा ये साहिबानों से अनुरोध है थोड़ा साइड हो जाए। तत्पश्चात सभी स्वानों द्वारा अपने एक अलग ही अंदाज में आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत। मेरा सर अनुरोध है, कृपया इन सभी को साइड में कर दीजिए। जो कमेंटेटर है उन्हें परेशानी हो रही, वो देख नहीं पा रहे, पूरा उन्हें दिखना चाहिए। बुनियादी आज्ञा पालन स्वान प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो कि कठिन परिश्रम, लगन व मेहनत के द्वारा प्रचारक 3 माह की अवधि में सिखाता है। यह प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात ही स्वान प्रचारक के कंट्रोल में आ जाता है। इसके बाद ही स्वानों को उनके प्रशिक्षण में डाला जाता है। बुनियादी आज्ञा पालन में स्वानों को आज्ञाकारी और अनुशासन प्रिय होना सिखाया जाता है। इसके अंतर्गत स्वान को हुकुम पर प्रचारक के बाहिल चलना, उठ बैठो, समतल, लेटो, रोल आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसका प्रदर्शन यह प्रदर्शन टीम आपके समक्ष कर रही है। जी हाँ, प्रचारक का आदेश ही नहीं बल्कि ये बहादुर स्वान प्रचारक की शारीरिक भाषा भी बखूबी पहचानते हैं। प्रस्तुत स्वानों द्वारा प्रचारक की शारीरिक भाषा को पहचान कर कार्य करने की एक अद्भुत प्रशिक्षण। यह खास प्रशिक्षण उस विशेष समय के लिए किया जाता है जहां मौखिक आदेश देना संभव ना हो, जैसे युद्ध क्षेत्र में एम्बुस, नाका या स्पेशल पेट्रोलिंग के दौरान। अपने इन्हीं प्रशिक्षण के फलस्वरूप इन स्वानों ने अखिल भारतीय पुलिस प्रतियोगिता में भाग लेकर अब तक बेस्ट डॉग ट्रॉफी 4, टीम चैंपियन ट्रॉफी से पदक 19, सिल्वर पदक 37 और सबसे अधिक गोल्ड मेडल 59, कुल 146 पदक हासिल कर इन संस्थान का नाम रोशन किया है। अब आपके सामने इस यह प्रदर्शन टीम द्वारा प्रदर्शित योगा। सेंटर टेबल पर स्वान सेरा और उनके चारों तरफ उनके साथी टीम के स्वान। जवान और स्वान एक साथ योगा मुद्रा में, यह दृश्य बहुत ही कम देखने को मिलेगा जहां जवान और स्वान एक साथ योगा करते हुए दिखाई देंगे। और फिर एक बार इन स्वानों द्वारा एक अलग पिरामिड बनाकर यह एकता का संदेश देने की कोशिश। अगर आपस में एकता हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। बहुत ही खूबसूरती के साथ यह पिरामिड आपके सामने इन स्वानों द्वारा प्रस्तुत है। सत बने रहते हैं और एक अजनबी द्वारा इन स्वानों को
भोजन खिलाने की कोशिश की जा रही है, परंतु एक के बाद एक सभी श्वान उस भोजन से इनकार करते हुए ये श्वान सभी अपने प्रचारक द्वारा ही भोजन स्वीकार करते हैं, जिसका कि एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने दिखाया जाएगा। अभी श्वानों के प्रचारकों को भोजन दिया जा रहा है और वह भोजन अपने प्रचारकों से यह श्वान किस प्रकार ग्रहण करते हैं। और जी हाँ, प्रचारकों द्वारा सभी श्वानों को भोजन दिया गया और सभी श्वानों ने बड़ी प्रेम के साथ उस भोजन को ग्रहण किया। श्वान जिमी प्रचारक चंदन सिंह के साथ लेग क्रॉस करते हुए यह प्रदर्शन इस बात को दर्शाता है कि प्रचारक और श्वान के बीच आपसी तालमेल कितना अद्भुत है। और प्रचारक का अगला आदेश जमीन पर रेंगने का और अपने प्रचारक के आदेश की अनुपालना करते हुए अपने प्रचारक के कदमों के साथ चलता हुआ श्वान जिमी यहाँ पर श्वान जिमी आपके जोरदार तालियों का हकदार है। अभी आपके सामने श्वान और प्रचारक के बीच आपसी तालमेल का एक छोटा सा नमूना प्रदर्शित किया गया। अब आपके सामने श्वान और श्वानों के बीच आपसी तालमेल का एक छोटा सा नमूना प्रदर्शित। श्वान बुजो और उनके साथी टीम के श्वान बुजो अपने साथी टीम के श्वानों के ऊपर जंप करते हुए और एक बार फिर वापस अपने प्रचारक के साथ श्वान बुजो जंप करता हुआ खंबे की तरह स्थायी रूप से एक जगह पर खड़े हुए। अभी देख श्वान बुजो अपने साथी के नीचे से रेंगते हुए निकलते हुए, जी हाँ, जोरदार तालियों से स्वागत करें श्वान बुजो का और एक लंबी छलांग अपने साथियों के ऊपर से श्वान बुजो की और मुख्य अतिथि को सम्मान देकर श्वान बुजो अपने प्रचारक के साथ जाते हुए। प्रचारक का आदेश और श्वान सेरा खाए जवान का कुछ सामान अपने प्रचारक के पास लाता हुआ और फिर अपने प्रचारक को रास्ता दिखाकर उस घायल जवान तक पहुंचाने की कोशिश करता हुआ श्वान सेरा। जी हाँ, प्रचारक द्वारा उस घायल जवान को चिकित्सालय में पहुंचाया गया जहां उस घायल जवान को जल्द से जल्द प्राथमिक चिकित्सा दी जा सके। इन श्वानों में सूंघने की क्षमता इंसानों की अपेक्षा 100 गुना ज़्यादा होती है, जिससे ये श्वान कई प्रकार की गंधों में से दी गई गंध श्वान रानी को गंध दिलाते हुए और इसी गंध के आधार पर श्वान रानी आपके सामने पड़े रूमालों में से उस जिसकी गंध दी गई। जी हाँ, दी गई गंध वाली रूमाल को श्वान रानी अपने मुंह में पकड़कर अपने प्रचारक के पास लाती हुई श्वान रानी। श्वान ब्रेवो आपके सामने रखे सूटकेसों में मादक पदार्थ की तलाश में और जी हाँ, अपने प्रचारक को संकेत दिया कि इस सूटकेस में मादक पदार्थ हो सकता है और श्वान ब्रेवो काफी उत्तेजित होता हुआ, जी हाँ, प्रचारक द्वारा पुष्टि की गई कि यहाँ पर मादक पदार्थ पाया गया। श्वान ब्रेवो का संकेत के दाहिनी ओर ले जाएं, जहाँ एक घुसपैठिया भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा है। क्या वह अपने नापाक इरादों में कामयाब हो पाता है, आप खुद देखें। जी हाँ, श्वान ब्रेवो ने उस आतंकवादी को इतना मजबूती से पकड़ रखा है कि उसे छुड़ा पाना उस आतंकवादी द्वारा बहुत ही मुश्किल और श्वान ब्रेवो ने उस आतंकवादी को धराशायी कर अपनी सीमा में लाता हुआ श्वान बुजो के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हुए, जहां अपराधी कई दिनों पहले अपराध करके जल्दबाजी में अपना कोई सामान छोड़ जाता है, जिसकी शिनाख्त की कार्रवाई की जाएगी। लगभग एक सप्ताह पहले अपराधी द्वारा छोड़े गए सामान की गंध दिलाते हुए प्रचारक पुष्पेंद्र सिंह, श्वान बुजो इसी गंध के आधार पर आपके सामने खड़े व्यक्तियों में से उस अपराधी को ढूंढने का कार्य करेंगे,
जिसका यह सामान है। जी हाँ, प्रचारक का आदेश और स्वान बुझो एक के बाद एक व्यक्तियों को सूंघते हुए और उस अपराधी की तलाश में एक बार फिर बड़ी गहराई के साथ सूंघता हुआ स्वान बुझो। जी हाँ, और अपराधी की बाजू पकड़कर अपने प्रचारक के पास लाता हुआ स्वान बुझो। और उसी का कन्फर्मेशन करते हुए एक बार फिर स्वान बुझो को उन पर छोड़ा गया और बुझो बड़ी गहराई के साथ छलांग मारते हुए एक के बाद एक व्यक्तियों को सूंघते हुए, जी हाँ, उस अपराधी को एक बार फिर बाजू पकड़कर अपने प्रचारक के पास लाता हुआ स्वान बुझो। यहाँ पर स्वान बुझो आपकी जोरदार तालियों के हकदार है। एक कदम हमारा भी स्वच्छता की ओ। जोरदार ताली के हकदार हैं। ये स्वान आपकी तालियों की अहमियत को समझते हैं। इंसानों से स्वानों की यारी ना होती तो इंसानों में भी इतनी वफादारी ना होती। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।